दोस्तों कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता, मगर एक बात सच ये भी है कि आज दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी तो नहीं होता। आप मानो ना मानो, मगर कभी ना कभी तो दूसरों की रईसी देखकर हम सभी की जली है, और अगर आपने ऐसा कभी फील नहीं किया तो आपको जलाने के लिए हम आ गए। वैसे जब बात रईसियत की हो रही है तो जरा सोच कर देखिए कि जिस इंसान के पास $320 मिलियन यानी कि 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की संपत्ति हो, उसके शौक कितने हाई भाई होंगे। ये वो शख्स है जिसका नाम दुनिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स की लिस्ट में शुमार किया जाता है। पहले रेसलिंग के रिंग का बादशाह बनने के बाद वो हॉलीवुड का किंग बन गया। जानना चाहेंगे कौन है ये आदमी और कैसे उड़ाता है वो अपनी दौलत, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, और अगर पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना। नमस्कार और स्वागत है आपका द मिस्टिका लैंड पर एक बार फिर से। दोस्तों आज हम एक ऐसे एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, फॉर्मर अमेरिकन और कैनेडियन फुटबॉल प्लेयर और उस रिटायर्ड प्रोफेशनल रेसलर की लग्जरी लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके रिंग में आते ही ये सवाल गूंजने लगता था कि कैन यू स्मेल व्हाट ही इज कुकिंग। अगर आप अभी भी नहीं समझे तो एक बार ये देख लीजिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं WWE चैंपियन और हॉलीवुड सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन की, जिसे बहुत से लोग दी रॉक के नाम से जानते हैं। बता दें कि रॉक को अपना ये निकनेम उनके रेसलिंग करियर के दौरान मिला था। 1996 और 2004 के बीच रेसलिंग की दुनिया में उन्होंने जो झंडे गाड़े हैं उसका आज भी कोई मुकाबला नहीं है, और फिर उनकी अपनी आईब्रो उठाकर देखने का अंदाज तो आपको याद ही होगा। अब इनके करियर की बुलंदियों से तो आप सभी वाकिफ हैं ही, तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं इनकी आलीशान लाइफस्टाइल के सफर पर। मगर उससे पहले जरा ये भी जान लीजिए कि इन बुलंदियों पर पहुंचना रॉक के लिए इतना आसान नहीं था। 2 मई 1972 को हेवर्ड कैलिफोर्निया में जन्मे ड्वेन को बचपन से ही स्पोर्ट्स का काफी शौक था, क्योंकि उनका जन्म एक प्रोफेशनल रेसलिंग फैमिली में हुआ था। रॉक के दादा फैनन लीफी पीटा मैविया और उनके पिता रॉकी जॉनसन भी अपने जमाने के मशहूर रेसलर हुआ करते थे। खास बात यह है कि जब रॉक ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी तो उन्होंने अपना रिंग नेम रॉकी मैविया ही रखा था, जो कि उनके दादा और पिता के नाम से मिलकर बना था। बचपन से ही उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी और उनकी फैमिली एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होती रहती थी। जब ड्वेन 14 साल के थे तब उनके पिता अपने रेसलिंग करियर में काफी स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में पैसों की कमी के चलते जॉनसन का दिमाग उन्हें गलत रास्ते पर ले गया और वो ठगी के जरिए या चोरी करके पैसे इकट्ठा करने लगे। मगर कुछ समय बाद उन्हें खुद ही इस बात का एहसास हुआ कि ये सही रास्ता नहीं है, और फिर उन्होंने अपनी फिजिकल हेल्थ पर काम करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बात अलग है कि एक समय ऐसा भी था जब कोई सोच भी नहीं सकता था कि ड्वेन भी अपने पिता के फुटस्टेप्स को ही फॉलो करेंगे। दरअसल अपने स्कूल टाइम से ही ड्वेन की रुचि फुटबॉल में थी और इसी खेल में वो अपना करियर बनाना चाहते थे, मगर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस के बाद भी टफ कॉम्पिटिटर वैरन सैप की वजह से वो NFL में अपने लिए जगह नहीं बना पाए, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए उन्हें डिप्रेशन से भी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मगर ड्वेन ने तब भी हिम्मत नहीं हारी और रेसलिंग के लिए पूरी तैयारी शुरू कर दी। उस दौरान फुटबॉल फील्ड के लिए वो बिल्कुल फिट थे, मगर रिंग के लिए फिर भी उनकी बॉडी काफी स्किनी थी, और फिर कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद कुछ ऐसे बन चुके थे। अपने 8 साल के रेसलिंग करियर में उन्होंने 8 बार WWE चैंपियनशिप बेल्ट अपने नाम की, और फिर वो रॉकी मैविया से द रॉक बन गए। मगर उनकी उड़ान यहाँ तक सीमित नहीं थी। हॉलीवुड फिल्म द स्कॉर्पियन किंग में एक हाफ नेकेड वॉरियर का किरदार निभाने के लिए एक रियल लाइफ रेसलर को कास्ट करने का आइडिया रॉक के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये फिल्म भले ही सुपरहिट नहीं थी, मगर इसके बाद से रॉक का एक्टिंग करियर निकल पड़ा। द मम्मी रिटर्न्स, फास्ट एंड फ्यूरियस और बेवॉच जैसी फिल्मों में काम करने वाले रॉक को साल 2016 में फोर्ब्स की सूची में सबसे ज्यादा कमाने वाले एक्टर्स की लिस्ट में टॉप पोजीशन पर जगह मिली थी। उस साल उनकी कमाई $65 मिलियन आंकी गई थी। ठीक एक साल बाद 2017 और 18 के बीच जुमांजी और वेलकम टू द जंगल जैसी फिल्मों की वजह से उन्हें ऐसी प्रसिद्धि मिली कि उनकी कमाई लगभग डबल हो गई, और वो एक साल में $124 मिलियन कमाने वाले पहले हॉलीवुड एक्टर बन गए। साल 2019 से 2020 में लगभग $89 मिलियन के साथ हाईएस्ट पेड एक्टर का खिताब रॉक के ही नाम पर रहा। इसके अलावा वो अपनी एक्स वाइफ के साथ मिलकर 7 बक्स नाम का अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। ये भी उनकी मोटी कमाई का एक जरिया है, मगर इस प्रोडक्शन हाउस के नाम के पीछे भी एक खास स्टोरी है। दरअसल फुटबॉल करियर खत्म होने के बाद जब रॉक रेसलिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमाने निकले थे तब उनकी जेब लगभग खाली हो चुकी थी और उसमें सिर्फ $7 ही बचे थे। ये 7 बक्स उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करते हैं। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस से कई फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिनमें सबसे खास थी स्काई स्क्रैपर्स, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 300 मिलियन से भी ज्यादा का कलेक्शन किया।
वहीं रॉक बड़े बड़े एंडोर्समेंट और रियल एस्टेट बिजनेस के जरिए भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। साल 2016 में उन्होंने अमेरिकन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी अंडर आर्मर के साथ भी अपनी डीजे इंस्पायर्ड क्लोथिंग सीरीज को लेकर एक डील साइन की थी जो काफी सक्सेसफुल रही। वहीं साल 2018 में उनकी $130 सीरीज के सारे स्नीकर्स सिर्फ 30 मिनट्स में सोल्ड आउट हो गए थे। $320 मिलियन यानी कि करीब 2300 करोड़ रुपए सालाना कमाने वाले ड्वेन कस्टम मेड सूट पहनने के शौकीन हैं। अलग अलग इवेंट्स में उनके स्टाइलिश सूट्स के कलेक्शन ने उनकी पर्सनैलिटी को और भी ज्यादा निखार दिया था। साथ ही उनके पास आपको कई डिजाइनर और एक्सपेंसिव घड़ियों का भी अच्छा खासा कलेक्शन देखने को मिलेगा। रॉक ने अपनी सबसे पहली महंगी घड़ी रेसलिंग के दौरान खरीदी थी, जो कि लगभग 25 लाख रुपए की रोलेक्स वॉच थी। हालांकि वो एक हफ्ते के अंदर ही फाइटिंग के दौरान टूट गई थी, मगर उसकी भरपाई करते हुए रॉक ने 10 लाख रुपए की रोलेक्स की वाटर स्पोर्टिंग मॉडल वाली घड़ी खरीदी थी। इसके अलावा इटालियन मेड पेनरॉय ल्यूमिनोर की दो शानदार घड़ियां भी उनके कलेक्शन में शामिल हैं, जिनकी कीमत करीब 8 से 10 लाख रुपए है। वहीं दुनिया की कई महंगी से महंगी कारें भी उनके पास हैं। उनकी सबसे पसंदीदा कार है फोर्ड F-150 ट्रक, जिसकी कीमत है करीब 60 लाख रुपए। इसके अलावा उनके पास चमकदार ब्लू कलर की हेनेसी वेलोसिरेप्टर कार भी है। V8 इंजन वाली ये कार 278 हॉर्स पावर के साथ 0 से 60 की स्पीड मात्र 4 सेकंड में देती है। इसकी कीमत मात्र $150,000। वैसे सबसे ज्यादा आकर्षक है रॉक की कस्टम मेड पगानी ह्यूएरा स्पोर्ट्स कार। HBO के शो बॉलर्स के प्रीमियम में जब इस कार में बैठकर रॉक पहुंचे, तो वहां मौजूद लोगों की नजरें इसी पर अटक गई थी। इस इटालियन मॉडल की कीमत $1.3 मिलियन यानी कि लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए है, और पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसी 100 कारें ही बनाई गई हैं। चलिए अब दिखाते हैं उनकी एक और शानदार कार। मिलिए इस ब्यूटी से, यह है रोल्स रॉयस रेथ V12, जो 6.5 लीटर इंजन के साथ 950 हॉर्स पावर देती है और इसकी कीमत है $4 लाख यानी कि लगभग 3 करोड़ रुपए। वैसे हम में से बहुत से लोगों के लिए फरारी कार खरीदना एक सपने जैसा है, मगर रॉक तो उस सपने को पूरा करके काफी पीछे छोड़ चुके हैं। उन्होंने लगभग 10 करोड़ रुपए की ये ला फेरारी खरीद तो ली थी, लेकिन अपनी विशाल बॉडी की वजह से वो इसमें ठीक से बैठ नहीं पाते, और इसलिए अब ये कार सिर्फ रॉक की गैराज की शान बढ़ाती है। इसके अलावा उनके गैराज में प्लाईमाउथ प्रॉलर, फोर्ड GT और फोर्ड मस्टंग जैसी कई गाड़ियां मौजूद हैं। इंस्टाग्राम पर 200 मिलियन और फेसबुक पर 58 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स के साथ वो फैंस के चहेते बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर उनके फिटनेस वीडियो और उनकी लाइफस्टाइल को भी बहुत से लोग फॉलो करते हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए ड्वेन को काफी मेहनत करनी होती है, और किसी भी कंडीशन में उनका जिम ना छूट जाए, इसलिए उन्होंने फ्लोरिडा में मौजूद अपने घर पर ही $3 लाख यानी लगभग 2 करोड़ रुपए में एक फुल साइज कस्टम जिम बनवाया है, जिसमें $2,000 की मल्टी फंक्शनल ट्रेनर मशीन से लेकर $1,000 के मजबूत डंबल सेट और कार्डियो मशीन तक हर इक्विपमेंट महंगे से महंगे ब्रांड का है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन शूटिंग के दौरान वो अपनी जिम के करीब 18,000 किलो के इक्विपमेंट्स अपने साथ लेकर चलते हैं। उनका स्टाफ शूटिंग लोकेशन पर उस टेम्पररी जिम को सेट कर देते हैं, ताकि शूटिंग के दौरान भी उनका वर्कआउट मिस ना हो जाए। वैसे अक्सर लोगों के मन में ये सवाल भी उठता है कि जिस इंसान की बॉडी इतनी कमाल की है, उसे कितनी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी होती होगी। मगर बहुत से लोग ये बात नहीं जानते कि रॉक को खाने पीने का काफी शौक है। दिन के 5,000 कार्ब्स और 7 मील्स उनकी डाइट का हिस्सा है। एक दिन का अगर हिसाब लगाया जाए तो करीब 4 से 5 किलो भोजन वो अकेले खाते हैं। सुशी और पैनकेक्स उनकी फेवरेट डिशेस में से एक हैं। इसके अलावा वो सालाना 1 लाख रुपए तो सिर्फ COD मछली के सेवन पर खर्च कर दिया करते हैं। हालांकि साल 2016 में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब उन्होंने इस फिश को अपनी डाइट से अलग कर दिया है। वैसे अगर उनकी बॉडी के बारे में बात हो रही है, तो उसी बॉडी के सबसे अट्रैक्टिव पार्ट को कैसे भूल सकते हैं? जी हाँ, उनके अमेजिंग टैटूज। दी रॉक के फॉलोअर्स इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि उन्होंने अपने दोनों आर्म्स और चेस्ट पर बेहद ही खास तरह के टैटू बनवा रखे हैं, जो कि रॉक के जीवन की गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने रेसलिंग के दौरान अपने दाएं हाथ पर एक ब्रह्म बुल का टैटू बनवाया था, जो कि उनके वेस्टर्न जोडियक बस साइन टॉरस यानी वृषभ का प्रतीक चिन्ह भी है। बड़े बड़े सींग और लाल आंखों वाला ये बुल टैटू काफी पॉपुलर हुआ था, जिसे उनके मर्चेंडाइज, वीडियो गेम्स और टॉयज में भी इस्तेमाल किया गया था। साथ ही उनके फैंस ने भी उन्हें कॉपी करते हुए ये टैटू बनवा लिया था। मगर साल 2017 में उन्होंने इसे एक नई डिजाइन में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की हर बारी की रॉक ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डिटेल पोस्ट के जरिए शेयर की थी। उनका कहना था कि इस टैटू की हर डिटेलिंग उनके हार्ड टाइम और लाइफ हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करती है। रॉक ने बताया कि ये डिजाइन मशहूर टैटू आर्टिस्ट निको हर्टाडो ने बनाया है, और इसे बनाने में उन्हें 22 घंटे का समय लगा। वहीं उनकी लेफ्ट आर्म और सीने पर बना ये दूसरा टैटू एक पॉलिनेशियन ट्राइबल वर्क ऑफ आर्ट है, जो उनके समोन ट्राइब कनेक्शन को दर्शाता है। गौर से देखा जाए तो ये टैटू खास तौर पर 3 चीजों को लेकर फोकस्ड है, परिवार,
अपने परिवार की रक्षा करते हुए एक आक्रामक योद्धा और एक आंख जो डिस्ट्रक्शन को दर्शाती है। इस खास टैटू को मशहूर ताहितियन टैटू आर्टिस्ट पोइनो रॉन्डी ने बनाया है, जो कि महज एक घंटे के लिए भी हजारों डॉलर्स फीस चार्ज करते हैं। वैसे जब बात रॉक की लग्जरी लाइफ के बारे में चल रही है, तो हम उनके प्राइवेट जेट को कैसे भूल सकते हैं। देखा जाए तो अपना एक प्राइवेट जेट रखना और उसी में सफर करना बहुत से अमीरों के खास शौक में शुमार होता है, मगर ड्वेन के केस में तो ये शौक के साथ साथ जरूरत भी है, क्योंकि ये तो आप भी समझ सकते हैं कि जितनी विशाल उनकी बॉडी है, ऐसे में दूसरे पैसेंजर्स के साथ बैठकर सफर करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने खुद को ये गल्फ स्ट्रीम G650 जेट गिफ्ट किया है, जिसकी कीमत 65 मिलियन डॉलर्स यानी लगभग 475 करोड़ रुपए है। अब अगर ये कहा जाए कि ड्वेन ने सबसे ज्यादा पैसा अपने इस प्राइवेट जेट में ही खर्च किया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। वैसे हमारे बड़े बड़े मसल्स वाले रॉक की एक कमजोरी भी है, और वो है उनकी फैमिली। वो अपनी फैमिली के बेहद करीब हैं और अपने परिवार के सदस्यों के लिए कुछ ना कुछ खास करते रहते हैं। इस बात का अंदाजा उस किस्से से लगाया जा सकता है, जब एक बार ड्वेन ने अपने मरहूम पिता को कहा था कि वो दुनिया के जिस हिस्से पर हाथ रखेंगे, ड्वेन उन्हें वहां घर खरीद कर देंगे। इसके अलावा उन्होंने अपने पिता की हिप सर्जरी के बाद उनके कंफर्ट के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए की आरामदायक कैडिलैक एस्केलेड एसयूवी खरीदी थी। इसी तरह क्रिसमस के मौके पर उन्होंने अपनी मॉम को भी सरप्राइज किया था, जिसके बाद वो इतना खुश थीं कि अपने आंसू नहीं रोक पाई थीं। ये पल ड्वेन ने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर किया था। और अपने बच्चों के साथ रॉक किस तरह से टाइम स्पेंड करते हैं, इसके क्यूट किस्से तो आपको इंटरनेट पर खूब मिल जाएंगे। बता दें कि उन्होंने अपनी फैमिली के लिए फ्लोरिडा में 3.4 मिलियन डॉलर्स खर्च करके करीब 13,000 स्क्वायर फीट का एक मेंशन खरीदा था, जिसमें 6 बेडरूम, 7 बाथरूम, होम थिएटर, जिम और स्विमिंग पूल जैसी फैसिलिटीज शामिल हैं। इसके अलावा हाल ही में उन्होंने 9.5 मिलियन डॉलर्स खर्च करके जॉर्जिया में एक आलीशान घर खरीदा था, जिसमें उनकी जरूरत की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही रॉक का नाम उन सेलिब्रिटीज में शुमार किया जाता है, जिन्हें अपने स्टाफ और सहकर्मियों के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए जाना जाता है। वो अक्सर गिफ्ट्स और वीडियोस भेजकर अपने फैंस और साथियों को सरप्राइज करते रहते हैं। साल 2015 में ड्वेन ने 90,000 डॉलर्स की कस्टम मेड फोर्ड F-150 कार अपने अंकल टोंगा फिफिटा को गिफ्ट में दी थी। बता दें कि अंकल टोंगा खुद भी एक प्रो रेसलर हैं और जॉनसन के शुरुआती दिनों में टोंगा ने उनकी खूब मदद की थी। ऐसे में धन्यवाद के रूप में जॉनसन ने उन्हें ये गिफ्ट दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, जॉनसन ने अपने बॉडी डबल और कजन टेनॉय रीड को भी साल 2018 में यही ट्रक गिफ्ट किया था। यही ट्रक उन्होंने अपने पिता को भी गिफ्ट किया था और उनके खुद के पास भी ये है। ऐसे में लगता है कि रॉक को फोर्ड F-150 कार से कुछ ज्यादा ही लगाव है। इसके अलावा 2002 में उन्होंने अपनी फिल्म द स्कॉर्पियन किंग के सह अभिनेता माइकल क्लार्क डंकन को भी एक कस्टम मेड रोलेक्स घड़ी गिफ्ट की थी। दरअसल एक सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने माइकल को गलती से मुक्का मार दिया था। ऐसे में अपनी गलती की माफी मांगते हुए उन्होंने ये घड़ी माइकल को गिफ्ट की थी। वो रेड क्रॉस, मेक अ विश जैसे दर्जनों से भी ज्यादा संस्थाओं को चैरिटी भी देते हैं। साथ ही साल 2006 में उन्होंने अपना पर्सनल ड्वेन जॉनसन रॉक फाउंडेशन भी शुरू किया था। इस फाउंडेशन के जरिए 20 साल की उम्र तक के बीमार और मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों की मदद की जाती है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ड्वेन का दिल भी उनके शरीर जितना ही विशाल है, और वो उन लोगों में से नहीं है जो अपनी सारी दौलत खुद पर ही लुटा देते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी द रॉक की लग्जरी लाइफ की कुछ झलकियां। अभी तो और भी कुछ ऐसा है जिसके आप और हम सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपके पास इतनी दौलत आ जाए तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और दी मिस्टिका लाइन की हर लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। चलिए फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, अब हम जल्द लौटेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।